हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम देखेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 11, जिसका नेम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स। इन्हें हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आईज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने टाइप्स के कलर इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपली डायग्राम है आई का, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने इसमें क्या देखना है कि जो हमारे आईज में जो कई तरह के से जो पार्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पीछे की तरफ, यानी आई के पीछे की तरफ क्या है, हमारा रेटिना पार्ट है। एक्चुअली में जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना पे, ठीक है। तो हमारा जो इमेज कोई भी आती है लाइट, तो उसका जो बनना चाहिए फोकस पॉइंट वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए, ठीक है। तो रेटिना पे अगर कोई इमेज फोकस पॉइंट बनता है तो उसका मतलब वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है, है ना। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनको ब्रेन तक भेजते हैं, और ब्रेन क्या करता है, उनको जो इन्वर्ट इमेज है उसको क्या करता है, इरेक्ट कर देता है, है ना। यानी सिर्फ रेटिना का काम क्या होता है, उसने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, जो भी लाइट आ रही थी ऑब्जेक्ट की, और उसने ऑप्टिक नर्व से भेज दिया। ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, उसको ब्रेन पे भेजेगा, और ब्रेन क्या करेगा, उस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट इमेज में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट आई तो सबसे पहले वो किससे स्ट्राइक करेगी, कॉर्निया से, ठीक है। जो हमारा जो आई का जो सबसे अपर पार्ट वाला जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर लाइट गई, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है आपका, जिसको मैं अभी शो कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं आयरिस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं आयरिस। आयरिस क्या करता है, आयरिस का जो वर्क होता है हमारी आई के अंदर, वो ये वर्क होता है कि वो कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जैसे कि कोई लाइट तेज से आ रही है ना, कोई हैवी लाइट है ना, ये कोई चमकदार ज्यादा लाइट है, उसको बोलते हैं कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है ना। किसी भी लाइट कम है, मतलब कि लो टाइप की क्वालिटी है ना उस लाइट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम है। तो आयरिस क्या करता है, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये अपनी जो लेंथ है इसको कम या ज्यादा करता है, ठीक है। कैसे करता है, देखो, जैसे कि हमारे पास ये हमारी आई है, ठीक है। अब इस आई के अंदर क्या होता है कि हमारा ये वाला पार्ट होता है, ब्लैक वाला, ठीक है, ये ब्लैक वाला पार्ट होता है। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है हमारा, ये ब्लैक वाला पार्ट ही छोटा और बड़ा होता है अंदर से, है ना। वो तो किसके थ्रू होता है, आयरिस के थ्रू होता है। आयरिस क्या करता है, इसको कम या ज्यादा करता है। अब ये कम ज्यादा कब होता है, देखो, जैसे ही कंसिडर करो ये आपकी नॉर्मल केस में आई है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल केस में रखा आई है, तो क्या होगा, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब कि लाइट ज्यादा होगी, तो क्या होगा, आपका जो आयरिस होगा वो छोटा बन जाएगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि अगर ज्यादा लाइट गई तो ये हमारी लेंस पे इफेक्ट भी कर सकता है ना, जिससे कि हमारी आंखें खराब हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी आयरिस क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। कैसे, जैसे ही कंसिडर करो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, तो क्या होगा, जो हमारी आईज है, ठीक है, आईज के अंदर का जो ये ब्लैक वाला पार्ट है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। जब क्या था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या थी, ज्यादा थी। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या थी, ज्यादा, तब क्या हो गया था, हमारा जो आयरिस वाला पार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोटा हो गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कम है ना, लो बीम का, तो हमारी जो ये आयरिस हो जाती है ये बड़ी हो जाती है ना। आयरिस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, कब, जब हमारी इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो हमारी आयरिस जो है वो बड़ी हो जाएगी,
ऑपन हो जाएगी ज्यादा, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगी तो आयरिस हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, यानी आयरिस हमारी क्या करती है, कंट्रोल करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमारे लेंस तक पहुंचने। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आयरिस के बाद, आयरिस के बाद आता है हमारा ये सिलेरी मसल। देखो सिलेरी मसल्स का भी वर्क होता है हमारे अंदर। सिलेरी मसल्स क्या करती है, होल्ड करती है हमारे किसको, डिस्प्लेन लेंस को। ठीक है, और इसका भी एक वर्क होता है। क्या वर्क होता है कि ये हमारे लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और रिलैक्स करती है। तो इसका भी एक वर्क है, किसके ऊपर वर्क है इसका, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि ये एक एबिलिटी है हमारी आई की, आई की जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ क्या होता है कि फोकल लेंथ हमारा वो होता है जहां पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, और यहाँ पे आपकी इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम करते क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, लेंस क्या करता है, हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है इसके थ्रू, सिलेरी मसल्स के थ्रू। ठीक है, मतलब क्या करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसकी रे ऐसे आई, तो उसका जो पॉइंट बनना चाहिए है ना, जो उसकी पॉइंट बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो एडजस्ट करता है वो करता है सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ आई टू कंट्रोल द फोकल लेंथ, यानी क्या करता है, फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो होता है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही लेंस से पास हुई हमारी रेस, फिर वो कहाँ पे जाके मीट करती है, मीट करती है बिल्कुल। ठीक है, दोनों रेस क्या होती है, मीट होती है, कहाँ होती है, रेटिना पे। जैसे ही रेटिना पे मीट हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे, इससे जब पास हो गए लेंस के बाद, उसके बाद वो ऑप्टिक नर्व के साथ फिर ब्रेन में चली जाती है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा वर्किंग था आई का। ठीक है, उसके बाद हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यूनो नहीं हो गया, पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया, उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखो हमारे आई के अंदर भी कई तरह के डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे 10th क्लास के बुक्स में दे रखा है 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा, वो है हमारा मायोपिया। मायोपिया, ठीक है, हम मायोपिया को हम नियर साइटनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मायोपिया में एक्चुअली में होता क्या है, इसमें हमें मायोपिया के अंदर पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती है ना, मतलब कि तो इसमें क्या होगा, मायोपिया के अंदर हमें, इसको हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, तो इसका मतलब कि इसमें पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती। तो इसके अंदर डिफेक्ट क्या है हमारे पास कि इसमें फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट विजिबल, मतलब दूर की चीजें नहीं दिख सकती, पास की चीजें दिख जाती है। अब देखो जब हम इसको रे डायग्राम से समझेंगे, जैसे कि ये हम सिंपली एक आई का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लेंस हो जाएगा, ये हमारी सिलियरी मसल्स जो इसको होल्ड करेंगी, ये हमारी आईरीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी रेटिना। अब इस मायोपिया में क्या होता है कि अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मायोपिया के अंदर कि दूर की चीज नहीं दिखती। मान लो ये दूर से कोई चीज आ रही है ना, कोई काफी दूर से लाइट आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो लाइट होगी वो इससे पास होने के बाद, ठीक है, वो यहीं बन जाएगी। देखो ये यहीं बन जाएगी यहाँ, है ना, तो मतलब क्या होगा, ये इस लेंस में जैसे ही पास होगी हमारे ये लाइट, ये इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो यहीं बन जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट यहीं पे हो जाएंगी, यहीं पे मीट कर जाएंगे। तो देखो इसको मीट कहाँ करना चाहिए था, रेटिना पे करना चाहिए था, लेकिन कहाँ पे मीट हो गई है, यहाँ पे मीट हो गई। तो इसका मतलब क्या है
कि जो इसकी इमेज है वो फॉर्म नहीं होगी, है ना, बनेगी नहीं। तो हमें क्या करना है कि इसको किसी तरह में यहाँ पहुंचाना है रेटिना पे। तो हम क्या करेंगे, मायोपिया को अगर डिफेक्ट होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव यूज करते हैं। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो ये जल्दी मिट कर गई, ठीक है, जल्दी मिट कर गई, तो मतलब हमें क्या करना है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करना, ठीक है। डाइवर्ज करने से क्या होगा, आगे जाके वो ऐसे मिट करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे ही कॉनकेव लेंस लगाया यहाँ पे, ठीक है, कॉनकेव लेंस लगाने से क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर बैंड नहीं होगी, ये चली जाएगी यहाँ, ठीक है। मतलब क्या किया, इस कॉनकेव लेंस ने क्या किया, लाइट को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इस लाइट को ऐसे डाइवर्ट किया था यहाँ पे, ये इसको ऐसे ही डाइवर्ट करते, ऐसे डाइवर्ट होंगे, जैसे ही इसमें गई तो ये ऐसे डाइवर्ट हो गई, फिर जाके लेंस में से ऐसे चली गई, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके मिल। तो जैसे ही ये डाइवर्जिंग रेज मीट करेगी आगे जाके, तो रेटिना पे मीट करेगी, इससे हमें क्या हो जाएगा कि मायोपिया से जो जिस पर डिफेक्ट होगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ, अगर हम इसको मायोपिया को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू हुआ है, हमारा कॉनकेव लेंस के, ठीक है। तो मायोपिया का जो करेक्ट किया हमने, मायोपिया के जो डिफेक्ट थे उसको करेक्ट किया, तो किसके थ्रू किया, कॉनकेव लेंस के थ्रू, ठीक है। अब चलो जो हमारा नेक्स्ट है हम उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रो। अब देखो हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, इसको हम लॉन्ग साइटनेस भी कह सकते, ठीक है। मतलब कि क्या है, इसमें हमको दूर की चीजें दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिख सकती। तो हम क्या लिख सकते हैं, नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट विजिबल, ठीक है, यानी पास वाली चीजें हम नहीं देख सकते, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारी आई होती है, ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया, ये सिलियरी मसल्स, ये आईरीज, ठीक है। तो क्या होगा, जैसी रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें, जैसे मान लो ये पास की चीज है, ये पास की चीज है, तो ये क्या करेगा, यहां तो ऐसे पास हो जाएंगे ये टाइट ऑफ रेज, मतलब ये कहीं आगे जाके ऐसे मीट करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो इनका रिफ्लेक्टेड पॉइंट जो बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ जाके बन रहा है, रेटिना से भी पीछे, ठीक है। तो रेटिना से पीछे बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, हमको हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम ठीक करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पे, वो रेटिना से पीछे बन रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, जो ऐसे दूर जा रही है उसको हम क्या करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, जल्दी पास करना चाहते हैं, कन्वर्स करना चाहते हैं। तो कन्वर्स कौन करता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, एक कॉनकेव लेंस। अब देखो जैसे ही कॉनकेव लेंस यूज किया हमने, तो ये क्या कर देगा, कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये कन्वर्ट करेगा, तो ये आगे जाके रेटिना पे पॉइंट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसे यूज किया हमने, तो क्या करेगा, जो भी पास वाली चीजें आएंगी उसको कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो रेटिना पे ही बने, रेटिना से पीछे ना बने, ठीक है। तो इसको हमने करेक्ट किस चीज से किया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमने इसको करेक्ट किससे किया, कॉन्वेक्स लेंस। चलो अब जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा प्रेसबायोपिया, ठीक है, इसको करते हैं। देखो प्रेसबायोपिया में क्या होगा, ये एक ऐसी डिफेक्टनेस है जो एजिंग के हिसाब से होती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती चली जाती है, उसके हिसाब से हमें पास की चीजें और दूर की चीजें थोड़ी
कम दिखा देने लगा, ठीक है। तो इसको हम ठीक करने के लिए एक्चुअली में करते क्या है, हम बायफोकल लेंस यूज करते हैं। बायफोकल लेंस मतलब क्या होगा कि जैसे कोई अगर आपके ये चश्मा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये मान लो अगर कोई आपका, तो चश्मा ये आपका, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा इसके लेंस। तो यानी क्या होगा, इसके जो नीचे वाला लेंस होगा वो होगा आपका कॉनकेव और इसके ऊपर वाला होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लिखते हैं कॉन्वेक्स और उस वाले को लिखते हैं हम कॉन्केव। क्यों हमने कॉन्वेक्स नीचे क्यों लिखा, अभी हमने पीछे गलत लिख दिया था, कॉन्वेक्स क्यों लिखा, क्योंकि हम पास की चीजें जब हम देखेंगे तो हमारी आई उस समय नीचे होती है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसको कन्वर्स करता है। तो पास की चीजें कन्वर्स करनी होती है इसलिए हमने नीचे कॉन्वेक्स यूज किया है, और दूर की चीजें जब हम देखते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, दूर की चीजें देखने के लिए क्या होता है, हम कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ती है ना, तो हमने यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज किया, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों में भी होता है, इसमें भी कॉन्वेक्स होगा आपका, इधर आपका कॉन्केव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेस्ट बायोपिया का गूगल बनता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते उसके बाद है डिफेक्ट के बाद है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अब देखो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या है कि वो जो एक व्हाइट लाइट आई है आपके पास वो डिस्पर्ज हो रही है ना, मतलब कि कह सकते हैं डिवाइड हो रही है। देखते हैं, जैसे कि हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ये प्रिज्म मैंने लिया, मैंने क्या किया, एक व्हाइट लाइट यहाँ पे ड्रॉ किया, मतलब क्या है, ये जो लाइट मैंने इसको दी है प्रिज्म को, ये कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब ये क्या करेगा प्रिज्म, अब देखो हमने जैसे कि हमने पढ़ाया पिछले उस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसमें क्या देखा था कि अगर कोई मीडियम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे तो एयर का है और इधर कौन सा है आपका, डेंसर का मीडियम, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एयर का मीडियम था और ये आपका अंदर प्रिज्म के अंदर तो डेंसर ही होगा ना, क्योंकि एयर से ज्यादा डेंसिटी है इसकी। तो क्या हुआ, जो व्हाइट लाइट है आपकी, ये व्हाइट लाइट आपके सेवन कलर्स होल्ड करते हैं, ठीक है। सेवन कलर कौन से, बी आई बी जी वाई ओ आर, पी प्लस वन, सेवन, ठीक है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। तो ये सारे कलर बोल्ड करता है, ऑन करता है व्हाइट, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारे कलर्स क्या करेंगे, इसमें डिस्पर्स कर जाएंगे, ठीक है। यहीं पे हो रहा है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस पॉइंट के बाद ये आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। अब देखो मैंने इसको ऐसे ऐसे क्यों किया, क्योंकि जो हमारे पास ये लाइट है इन सबकी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है ना। इसकी अलग वेवलेंथ है, इसकी अलग वेवलेंथ है, इसकी अलग वेवलेंथ है, इसकी अलग वेवलेंथ। तो डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ क्या होगी, इसका डिस्पर्जन भी अलग होगा, ठीक है। जिसका वेवलेंथ कम है, ठीक है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। तो हमारे जो सेवन कलर्स बनेंगे वो यही बनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है। तो ये सेवन कलर्स हमारे बन गए, तो ये कैसे होंगे, जो सबसे कम है तो वो हमारा हो जाएगा वी, है ना, सबसे कम वेवलेंथ है इसकी। उसके बाद उससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा इसकी है, फिर इसके कैसे चलती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक, कहाँ तक आएगा, आर। तो ये कलर्स हैं हमारे जो अरेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी एक लाइट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, सेवन कलर्स में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हमारा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे कि ये आपका कोई एटमोस्फेयर है, ठीक है, मान लो ये अर्थ है, इस अर्थ के अंदर दूसरा आता है, कंसिडर करो ये अर्थ है। अब अर्थ के अंदर ये हमारा क्या होता है, पूरा एटमोस्फेयर है,
एटमोस्फेयर आता है। अब उस एटमोस्फेयर से रिफ्रैक्शन होता है। कैसे रिफ्रैक्शन होता है? देखो जैसे कि ये हमारा एटमोस्फेयर, ठीक है, ये हमारा एटमोस्फेयर और ये हमारा सरफेस ले लेते हैं इसको, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है और ऊपर की तरफ हमारा एटमोस्फेयर है, ठीक है। अब एटमोस्फेयर में क्या होता है कि एटमोस्फेयर में जो आपके रे सॉरी एयर्स वगैरह जो है वो आपके इसमें ट्रेवल होती रहती है। मतलब क्या है कि जैसे आपका ये जो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर के अंदर आपकी कोई गैस ऐसी होगी जिसका डेंसर ज्यादा होगा और कुछ ऐसी गैस होगी जिसका डेंसर कम होगा, ठीक है। यानी हमारे एटमोस्फेयर में भी दो टाइप्स के गैस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एक तो होगा रेयर वाला और एक होगा डेंसर वाला। अब देखो मैंने रेयर को ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि जो हल्की गैस होंगी वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी और जो भारी गैस होगी वो नीचे की तरफ आएगी, है ना, यही होता है ना, हल्की गैस जल्दी ऊपर उठ जाती है और भारी गैस नीचे रहती है। मतलब कि जो हल्की वाली गैस होगी ये ऊपर की तरफ होगी और भारी वाली गैस होगी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अब इसके थ्रू हमारा रिफ्रैक्शन होता है। कैसे होता है कि जैसे मतलब कर लो यहाँ पे सन है, ठीक है, सन की जो लाइट आ रही है ये मान लो एक लाइट है, ये रेयर में है। अब देखो क्या हो रहा है, पे ये रेयर से डेंसर में गई, ठीक है, रेयर से डेंसर में गई तो हम खींचेंगे इसके तरह एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे, ठीक, नॉर्मल लाइन खींचा रेयर से डेंसर में गई यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्शन किस में हुआ, एटमोस्फेयर में हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। चल इसके बाद इसको देखो, एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारा टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब देखो स्टार की ट्विंकलिंग कैसे होती है, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। देखो कैसे होता है, कंसिडर करो ये आपका स्टार है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, थोड़ा सा और दूर बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा एटमोस्फेयर, ठीक है, ये स्काई वाला पार्ट है, ये हमारा एटमोस्फेयर और उसके ऊपर हमारा स्टार है, ठीक है। अब क्या होगा, जो स्टार से जो रे आएगी, अब देखो ये जो स्टार से जो रे आई है यहाँ पे, और देखो जो एटमोस्फेयर में है, एटमोस्फेयर में जो एयर्स है वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, ट्रेवल करती रहती है। मतलब कभी हल्की कभी भारी, कभी हल्की कभी भारी, है ना, कभी रेयर कभी डेंसर, कभी रेयर कभी डेंसर। मतलब कि ये जो एयर है आपका वो कभी इधर इधर ट्रेवल होता है, इधर मतलब कि क्या फ्लक्चुएशन है उसमें, है ना, एयर्स में क्या है फ्लक्चुएशन है। तो फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, जो इसकी जो रेज होती है वो कभी इधर 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 कभी इधर। तो इसी वजह से हमारा जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का इफेक्ट है ना, क्योंकि जो यहाँ पे आपका एरिया है एटमोस्फेयर का वो बार बार फ्लक्चुएट होता है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसके कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से, एटमोस्फेयरिक चेंज होने की वजह से क्या होता है, आपका रे ऑफ जो लाइट है आपकी स्टार की वो बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमें दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज। अब देखो ये भी जो है हमारा एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट होता है। मतलब कि हमें समय से पहले सूरज दिख जाता है और समय के बाद तक भी हमें सन दिखाई देता है। वो कैसे देखते हैं, देखो कि जैसे कि कंसिडर करो ये सरफेस है आपका, ठीक है, एक सन आपका यहाँ है जो सन रेज हो रहा है और एक सन आपका यहाँ है जो सन सेट हो रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे हो, ठीक है। कंसिडर करो जैसे कि यहाँ पे कोई पार्ट है, ये अभी कोई घर वगैरह है, इधर भी कोई घर ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमें हमारा जो विजन है, हमारा जो विजन है वो कहाँ तक जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक जाएगा और एक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये विजन है हमारा, ठीक है। कंसिडर करो जैसी ही हमारा सन यहाँ पे है सन रेज के समय,
तो हमें सन ऐसे ही बिहार दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? जब भी मैंने बताया था आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। कैसे होगा देखो कि जैसे ही अगर मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे हम हैं, ठीक है, ये हमारा मान लो सन है, सन की लग गई, तो ये क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे लाइट आई, इसकी नॉर्मल लाइन ऐसे खींचेंगे, तो ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, मतलब टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट। ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। और हम इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हैं हम, ठीक है। तो देखो हम ये वाली रे हम देख रहे हैं, ये वाली रे नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे हम, ये वाली रे देख रहे हैं। इसका मतलब जो हमें सन दिखाई देगा वो हमें कहाँ दिखाई देगा, या कहाँ दिखाई देगा, जो एक्चुअल पोजीशन है सन की वो ये है, लेकिन हम बाय द रिफ्रैक्ट जो रिफ्लेक्शन हुआ है ना, जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसकी वजह से हम कहाँ देख रहे हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर। तो यही सेम केस यहाँ पे अप्लाई होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, जो सन है हमारा वो कुछ देर तक पहले ही दिखाई देने लग जाता है, और सन जो सेट होता है इसको भी, जिससे भले ही वो यहाँ पे है लेकिन फिर भी हमें यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में हमारा क्या रूल फॉलो हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारा टॉपिक था, अभी तो हाफ टॉपिक है ये हमारे इस लेसन में, जो और बाकी टॉपिक्स बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।